हमारे पास आई है ये होंडा सीआरवी कार, एंड आप सुनिए इसका सस्पेंशन का नॉइस। तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इस कार का, आपने सुना भी है। तो ये थोड़ा भी खराब रास्ता आ रहा है तो उसमें इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है। तो चलिए इस कार को लेके जाते हैं वर्कशॉप में एंड देखते हैं कि इसके सस्पेंशन की कंडीशन कैसी है। तो अभी हमने इस कार के व्हील्स खोल के रखे हैं एंड अभी हम आपको बताएंगे इसके सस्पेंशन का कंडीशन। तो साहिल भाई, इसमें सस्पेंशन के फॉल्ट क्या क्या है बताओ? स्टीयरिंग हैंड ओके, स्टेबलाइजर लिंकेज, अभी ये तो हमने थोड़ा डिसमेंटल किया है बट ये पूरी तरह से कट चुका है। लोअर आर्म असेंबली हमने निकाल लिया है, अभी हम इसका स्टीयरिंग रैक असेंबली है वो निकाल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं इसका पूरा एंटायर स्टीयरिंग रैक असेंबली हमने बाहर निकाल लिया है एंड ये जो है मोटर वाला स्टीयरिंग रैक असेंबली है, ये थोड़ा डिफरेंट है एंड ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो अभी इसमें फॉल्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फॉल्ट ये है कि इससे सबसे पहले इसका जो टायर रॉड एंड है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले, और ये इनर स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्ले है। टायर रॉड एंड का बॉल जॉइंट कैसा है? इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा करते हैं। एंड ये आप देखिए इनर स्टीयरिंग बॉल जॉइंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्ले है एंड ये आवाज़ कैसे करता है ये आपको बता दें। तो ये प्ले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है एंड यही जब भी गाड़ी खड्डे में पटक रही है तभी ये आवाज़ क्रिएट कर रही है। गाड़ी का वेट ज़्यादा आता है तो फिर ये आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हम इसे लैथ में देंगे, इसे पूरा रिपेयर करेंगे। अगर ये रिपेयर करने की कंडीशन में रहा तो ये रिपेयर करना सबसे बेस्ट होगा क्योंकि ये बहुत महंगा आता है। और इसके जो बॉल जॉइंट्स है ये टायर रॉड एंड का बॉल जॉइंट्स हम चेंज करेंगे, स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट भी हम ये चेंज करेंगे। अभी बात करते हैं मेन लोअर आर्म असेंबली के बारे में। ये लोअर आर्म बॉल जॉइंट है, आप देख सकते हो कितना प्ले है ये, आवाज़ आ रहा है उसमें से। हाँ एकदम ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है ओके। जो है और गाड़ी, और मैंने नए पार्ट्स मंगा भी लिए हैं ये देखो। तो ये बॉल जॉइंट अलग से आ गया। हाँ बॉल जॉइंट अलग। तो हम इसमें देखो कितना हार्ड है, मतलब ये परफेक्ट है। तो विनोद भाई एंटायर असेंबली चेंज नहीं करे? हाँ इसके बुशिंग अलग से मिलते हैं, लोअर आर्म बदली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बुशिंग के पूरे किट आ चुके हैं हमारे पास। तो ये और ये दोनों साइड का लोअर आर्म सेट है, दोनों साइड का लोअर आर्म सेट है। तो इसका हम ये बुशिंग चेंज करेंगे, ये एंटायर असेंबली हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी बुशिंग में क्या प्रॉब्लम है ये विनोद भाई आपको बताएंगे। ये देखिए विनोद भाई बताइए, ये देखिए आप देख सकते हो ये बुश में कितना, और क्रैक भी आ चुका है इसमें, क्रैक्स पड़ गए हैं इसके अंदर, इसके लिए मैंने। तो अभी हम ये सारा बुशिंग सेट इसका चेंज करने वाले हैं, इसका बॉल जॉइंट्स हम चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा लैथ में। तो ये सारे पार्ट्स को हम लैथ में भेजने वाले हैं एंड ये सारा बुशिंग इसमें प्रेस होके आ जाएगी। तो ये पूरा असेंबली हम चेंज नहीं कर रहे, पार्ट्स इसमें चेंज हो रहे, इसके बुशिंग्स, स्टेबलाइजर लिंकेज, इसका शॉक एब्जॉर्बर असेंबली। तो अभी हम बताते हैं स्टीयरिंग रैक रिपेयर होके आया है तो इसमें अभी फ़र्क क्या है पहले वाले वीडियो में और दूसरे वीडियो में। पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे हाथ से उठा रहे थे तो फ्रीली ऊपर नीचे मूव हो रहा था एंड अभी कैसा है हम देखते हैं। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है एंड ये मतलब इतना भी प्ले नहीं है, ये इतना ही रहना चाहिए, माइनर प्ले होना चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा ही प्ले था तो ये इतना जाम होना चाहिए। ये हमने नया डाल दिया है प्लस इसके साथ साथ में स्टीयरिंग लेथ पे जब भी जाता है लेथ वाले इसके इधर रैक बूश आता है जो देखिए बूट ये क्लिप मारा नया इधर से खोल के रैक बूश बदली करते हैं लोग। और प्लस इसमें और एक रहता है इधर डैम्पर नट रहता है, जो डैम्पर नट लूज ही लूज हो जाता है अपने स्टीयरिंग में प्ले बताता है इसे प्ले आता है तो उसको बूश मार के और सेटिंग करके स्टीयरिंग ओके करके लेथ वाले हमको दे देते हैं एंड बॉल जॉइंट बदली करके। तो ऐसा होता है कि स्टीयरिंग रैक का रिपेयरिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि हम उसे खोल के चेक करते हैं, अगर वो रिपेयर करने की कंडीशन में रहा तो ही हम रिपेयर कर सकते हैं, अगर इसका कंडीशन ज़्यादा ख़राब रहा तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसे रिप्लेस किया जाए। तो इसका कंडीशन ऐसा था कि ये रिपेयर करने जैसा था, जो विनोद भाई ने आपको बताया वो सारे प्रोसेस फॉलो करके इसे रिपेयर किया गया है। जो जो चाइल्ड पार्ट जिसके थे वो जो चेंज करने चाहिए थे वो हमने चेंज कर लिए एंड ये अभी रैक रेडी हो चुका है। तो अभी ये बुशिंग्स हम रिप्लेस करेंगे एंड न्यू शॉक एब्जॉर्बर इंस्टॉल करेंगे।
तो अभी हमने इसका शॉक एब्जॉर्बर असेंबली खोला हुआ है एंड उसके स्प्रिंग्स भी हमने निकाल लिए है। तो अभी ये पुराना और नया दोनों साथ में हम आपको प्रेस करके दिखाएंगे कि इसमें एक्चुअल फ़र्क क्या है, क्यों हम इसे चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यार, प्रॉपर ये बाहर आ रहा है, ये देखो रुक गया, ये वीक, हाँ वीक हो गया, इसके लिए ये बाहर नहीं आ रहा, इसको जंप बराबर नहीं आ रहा, इसके लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो इसका जंपिंग बराबर नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू शॉक एब्जॉर्बर जो है वो जल्दी से ऊपर आ रहा है एंड ये बीच में आके अटक रहा है, बाद में आराम से आ रहा है। इसका मतलब इसका शॉक अप जो है बैठ चुका है पूरा, एंड ये और चलाएगी तो फिर ये पूरी तरह बैठ जाएगा एंड ज़रा भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं रहेगा बाउंसिंग का। तो इसे हम चेंज करने वाले हैं। ये फ़र्क होता है ख़राब शॉक एब्जॉर्बर और अच्छे शॉक एब्जॉर्बर में। सो सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर ही नहीं, हम इसका जो माउंटिंग्स रहते हैं वो भी हम चेंज करने वाले हैं। तो अभी आप आपको बताएगी माउंटिंग्स की कंडीशन। तो विनोद भाई बताइए, ये इसका जो ये बफर है, हाँ, जो शॉक अब्सर के अंदर आता है बफर, ये देखो बफर है जो जूना एकदम फट गया है पूरा, आप देख सकते हो। ये नया मैं इंस्टॉल करूँगा मैं इसमें, और इसका जो है माउंटिंग ऊपर माउंट है इसका, ये मैंने तो नया भी मंगा लिया है। ये माउंट का कैसे होता है फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे को ये जो चीज़ है ना माउंट का, ये दब गया है अपने को प्रॉपर। ये देखो मतलब ये अच्छा माउंट है, मतलब ये माउंट अपना बिल्कुल अपना वीक हो चुका है, इसके लिए हम लोग माउंट भी चेंज करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं मैंने न्यू शॉकअप चेंज किया, ये सब पूरा किट शॉकअप और किट डाल के मेरा ये नया शॉकअप कंप्लीट हो गया, अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो इसमें सस्पेंशन के सारे नए पार्ट्स हमने लगा लिए हैं, ये न्यू शॉक एब्जॉर्बर, स्टेबलाइजर लिंकेज, टायर रॉड एंड लोअर आर्म का बॉल जॉइंट और बुशिंग्स सारे हमने गाड़ी के साथ फिक्स कर लिए। अभी इसमें ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड लगाना बाकी है। साथ साथ में हम इस कार में ब्रेक्स का भी काम कर रहे हैं, सर्विस के टाइम हम ब्रेक्स भी चेक करते हैं आपको पता है। तो ये ब्रेक पैड जिसका डैमेज हो चुका है एंड ये ख़त्म भी होने आया, एंड ये कार जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इसका ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म होता ही है नेचुरली। तो इसके ब्रेक पैड्स तो हम रिप्लेस करेंगे, साथ साथ में इसका ब्रेक डिस्क जो है उसे हम स्कीमिंग कराने वाले हैं, वो स्कीमिंग करने की कंडीशन में है। तो इसके ब्रेक डिस्क जो है चारों भी स्कीमिंग होकर आ चुके हैं, अभी इसे हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें न्यू ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे। एंड जैसे जैसे हम नए पार्ट्स इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वैसे इसके सारे फ़ोटोज़ क्लिक करके कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। और जो भी ये सब मैं काम करता हूँ, हमारे कंपनी का रूल है जो मैं अपने कस्टमर को वीडियो शेयर करता हूँ फ़ोटो खींच के, लिंकेज नया पार्ट जो भी इंस्टॉल करता हूँ, लिंकेज हो गया, सॉकअप जो भी छोटी सी छोटी जो भी पार्ट्स रहते हैं छोटा से छोटा पार्ट में कस्टमर को मैं शेयर करता हूँ, फ़ोटो खींच के नंबर गाड़ी डाल के शेयर करता हूँ कस्टमर। कैसा है कि मैंने ये सब फिटिंग कर दिया हूँ, फिटिंग करने के बाद मैंने अभी लास्ट जब गाड़ी अपना टायर लगाने से पहले मैंने सब नीचे का फाइनल बोल्ट जो भी है अपने टॉर्च से अब चेक कर रहा हूँ, नीचे आदमी लेटा है पूरा एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक सब बोल्ट फाइनल टाइट है, फिर कोई बोल्ट लूज तो नहीं है, फिर हम फाइनली टायर लगा के गाड़ी ट्रायल पर लेके जाएंगे। तो गाड़ी का भी हम कर रहे हैं कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट होने के बाद हम कार का लेके फाइनल ट्रायल। तो अभी हम ले रहे कार का ट्रायल, आपने देखा हमने पूरा काम कर लिया, अलाइनमेंट भी करा लिया है। तो शुरुआत करेंगे हम सीधे ख़राब रास्ते से, आप देख सकते हो ये कंप्लीट ऑफ रोड है यहाँ पे, मतलब कच्चा रास्ता है पूरा ये एंड बहुत सारे गड्ढे भी है यहाँ पे, काफ़ी रफ रोड है। तो हम शुरुआत ट्रायल का सीधा यही रोड से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें कोई सस्पेंशन का नॉइज़ आता है कि नहीं। तो आपने देखा ही होगा कि बिल्कुल भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने सेम प्ले जगह पे माइक को प्लेस किया था, पहले कितनी आवाज़ आ रही थी एंड अभी आप देख सकते हो फ़र्क। अभी प्लेन रास्ते पे भी चला रहे हैं एंड इसका अलाइनमेंट भी हम चेक कर रहे हैं, तब देख सकते हो कि स्टेयरिंग प्रॉपर सेंटर पे है एंड कार भी बराबर स्ट्रेट जा रही है, कोई भी अलाइनमेंट का इशू नहीं है। जब भी हम अलाइनमेंट कराते तो हम कार का थोड़ा ट्रायल लेते ही है। तो
कोई भी आवाज़ नहीं है सस्पेंशन में, एंड इसका राइड क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं होंडा की कोई तो ऐसे कार में बैठा हूँ जिसका केबिन काफ़ी साइलेंट और कंफर्टेबल है। अभी सेम फील आ रहा है, एंड एक गाड़ी भी कस्टमर ने काफ़ी मेंटेन रखी है, तो एक अलग ही मज़ा है इस कार का। काफ़ी स्मूथ हो चुकी है कार, सो ये कार का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड आपको ये हमारा जो काम है वो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ़।